नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से हम लोग केचुआ पालते हैं और केचुए से हम लोग किस प्रकार से केचुआ खाद तैयार कर रहे हैं। किसानों के बहुत सारे प्रश्न अब तक हमारे पास आए हैं, तो छोटे सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये जो प्रश्न मेरे पास आए हैं इनका जवाब मैं आपको दूंगा। केचुआ कौन सा वैरायटी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ये केचुआ कितने दिन में खाद बना के तैयार कर देता है, किस प्रकार से हम लोग इस खाद को केचुए से अलग करते हैं और गोबर हमारे पास कितना दिन पुराना होना चाहिए, कौन कौन सा पदार्थ हम लोग इसको बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, कितना दिन का समय इसमें लगता है खाद बनाने के लिए, प्रति एकड़ ये खाद कितना प्रयोग की जाती है और खाद के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसको किस प्रकार से बेचा जाता है। जैसे कि ये प्रश्न है कि गोबर कितना दिन पुराना होना चाहिए, तो 10 से लेकर 15 दिन पुराना गोबर अच्छा माना जाता है। कौन कौन सा पदार्थ हम लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं, ये फसलों का बचा हुआ अवशेष, और साथ ही इस अवशेष को गोबर में मिला के हम लोग बेड के अंदर भरते हैं। इस प्रकार से हम लोग इस बेड के अंदर प्रॉपर नमी बना के रखें तो हमारा 40 से लेकर 45 दिन तक ये प्रोसेस होने के बाद खाद बनके रेडी हो जाता है। खाद बनने के लिए जो पर्याप्त समय है, जो किसान भाई इस खाद का प्लांट लगाना भी प्रारंभ करेंगे तो उनके लिए तकरीबन पहले 40-50 दिन केचुए को अपनी वृद्धि करने में चले जाते हैं और फिर उसके बाद रोटेशन में 45 या 50 दिन के बाद ये खाद बनना स्टार्ट हो जाता है। प्रति एकड़ हम लोग 10 क्विंटल के आसपास केचुआ खाद का प्रयोग करते हैं और वो फसल पर निर्भर करता है कि हम लोग कौन सी फसल लेना चाहते हैं, उसी के हिसाब से इसकी मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन आमतौर पर हम लोग 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से केचुआ खाद का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग अपने घर पे केचुआ खाद तैयार करते हैं तो हम लोग इसी क्वांटिटी थोड़ा कम भी कर सकते हैं, 7 क्विंटल या 8 क्विंटल भी प्रति एकड़ लगा सकते हैं। इस खाद के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इस खाद के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इस प्रकार के 13 पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पूर्ण रूप से एक जैविक खाद है, इसको कुछ लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं और ये खाद सभी फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। खासकर जो किसान गुलाब की खेती या जरगरा की खेती या इस प्रकार से जो फूलों की खेती किसान कर रहे हैं उनके लिए ये खाद बहुत अच्छी मानी जाती है। जो किसान केला, पपीता या इस प्रकार की बागवानी या फलों की खेती कर रहे हैं उनके लिए खाद बहुत अच्छी है। इसको हम लोग किस प्रकार से बना के बेच सकते हैं, कोई किसान अगर केचुआ खाद बनाना प्रारंभ कर रहा है और अब उसके पास ज़्यादा मात्रा में केचुआ खाद बन चुकी है तो वो अपने पास आसपास मार्केट में जो फूल बेचने वाले हैं, नर्सरियां हैं, वहाँ पे जाके अपनी खाद को बेच सकता है। ये 3 विधि यहाँ पे हैं, साधारण विधि, पक्का बेड विधि और 4 चक्रीय विधि। साधारण विधि में होता क्या है कि हम लोग सीधे जो मिट्टी का फर्श होता है, मिट्टी के फर्श से पॉलीथीन को बिछा के और उसके ऊपर हम लोग जो है गोबर का ढेर लगा के और सीधे हम लोग उसमें केचुआ ला के डाल देते हैं। लेकिन जहाँ भी हम लोग इसको बेड को बनाएंगे सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि सीधे धूप ना आए और बरसात का पानी सीधे वहाँ पे जमा ना हो, तो ऐसी जगह का हम लोगों को चयन करना है कि सीधे बरसात का पानी भी जमा ना हो और सीधे धूप की किरणें भी वहाँ पे ना पड़े। तो ये हम लोग नीचे भी मतलब धरती के ऊपर पॉलीथीन बिछा के भी गोबर का ढेर लगा केचुए का पालन कर सकते हैं। और ये जो दूसरी विधि है पक्का बेड विधि, इसमें थोड़ा खर्च आता है लेकिन ये काफी लंबे समय के लिए बन जाता है। इसमें हम लोग करते क्या है कि इस बेड की जो चौड़ाई होती है वो 3.5 फुट की कर लेते हैं और इसकी जो लंबाई होती है वो 10 फुट और 12 फुट या 15 फुट अपना आवश्यकता अनुसार इसकी लंबाई हम कितनी भी कर सकते हैं। लेकिन इस बेड की जो पक्का बेड हम लोग बनाते हैं सीमेंटेड, इसकी ऊंचाई हमको 1 फुट से ज्यादा नहीं रखनी होती है। क्योंकि होता क्या है कि अगर हम लोग इसकी ऊंचाई 1 फुट से ज्यादा रखेंगे तो जो गर्मी का मौसम होता है उसमें गोबर ज्यादा गर्मी पकड़ के जो है केचुए को मार देता है, उसमें उष्मा ज्यादा हो जाती है जिससे केचुआ मर जाता है, तो इसकी जो बेड की ऊंचाई 1 फुट से ज्यादा ना रखें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है इसकी चौड़ाई 3.5 फुट के आसपास होती है, ऊंचाई इसकी 1 फुट होती है और लंबाई हम लोग इस बेड की आवश्यकता अनुसार 10 फुट, 12 फुट या 15 फुट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम लोगों ने एक 4 चक्रीय विधि है, इसमें पूरा एक टैंक बनाया जाता है जिस टैंक की गहराई जो होती है वो 2 फुट की होती है और इसमें जो है 8×8 का 8 लंबाई 8 चौड़ाई का हम लोग बेड बनाते हैं
और इसमें चार पार्ट कर देते हैं। ये चार पार्ट करके होता है क्या है कि पहला हम इस वाले में जो है केचुआ खाद डालेंगे, फिर इसमें गोबर फिर कर देंगे। ये गोबर जैसे ही पुराना होगा ये केचुआ सब इधर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर हम लोग इसमें गोबर को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। और जब ये गोबर पुराना होता है तो केचुआ सीधे यहाँ से निकल के इधर आ जाता है, तो ये पूरा रोटेशन में घूमता रहता है। हम लोग नया गोबर डालते रहते हैं, जो खाद बनता है वो निकालते रहते हैं। तो ये चार चक्रीय विधि होती है, ये पक्का बेड बना के भी हम लोग काम कर सकते हैं। और बहुत ही कम लागत में अगर हमको काम करना है तो केचुआ परचेज करके हम सीधे सीधे नीचे जो है पॉलिथीन का बेड बना के हम लोग ये भी चीज कर सकते। जो भी किसान भाई केचुआ खाद का पालन करना चाहता है उसके लिए केचुआ हम लोग किसानों को देते हैं। और कितना खाद बनाने के लिए कितना केचुए की आवश्यकता होती है और केचुआ किस रेट मिलता है और केचुआ खाद कितने समय बनकर रेडी हो जाता है, इसका लाइव डेमो देखने के लिए आप हमारे श्रीग्राम ऑर्गेनिक .com पर सर्च कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए 8171-0038 पर संपर्क करें। और केचुआ हम लोग होम डिलीवरी भी सप्लाई करते हैं। धन्यवाद।